अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूनिक रेसिपी। आप सब लोग कैसा है? आज हम बना रहे एक स्पेशल अप्पम बना रहे। इसका नाम है कलतप्पम। इसको कुकर अप्पम भी बोल रहे, इसको कुकर में बना रहे, इसके लिए कुकर अप्पम बोल रहे हैं। इसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए? अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, प्लीज़ डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब माय चैनल, डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन, लाइक एंड शेयर एंड कमेंट प्लीज़। हमने इधर थोड़ा छोटा प्याज लिया, ये बाज़ार में मिलते हैं लेकिन बहुत महंगा है इधर। साथ में हमने लिया थोड़ा कच्चा नारियल, कट करके पीस करके रखे इधर। और साथ में चाहिए हमको इधर, साथ में हमने इधर लिया गुड़ लिया, इसको हमने सिरप बनाएगा। ये तकरीबन 100 ग्राम का नीचे है ये गुड़। मीठा आपके हिसाब से ज़्यादा कर सकता है, कम भी कर सकता है। अभी साथ में हम लिया चावल का आटा, ये कप में एक कप लिया, ये तकरीबन 250 ग्राम का कप है। साथ में हम लिया 2 टेबलस्पून चावल, हमने इसमें यूज़ किया बॉयल्ड राइस है। आपके पास कोई भी चावल रहेगा तो चलेगा, लेकिन 2 स्पून से ज़्यादा नहीं ऐड नहीं करने का। ज़्यादा ऐड करेगा तो नीचे पकड़ने के लिए चांस है, इसके लिए ज़्यादा ऐड नहीं करने का, खाली ये सॉफ्टनेस के लिए हमने इसमें ऐड किया। अब ये मिक्सी में पीसने का। आप मेरा वीडियो पहले बार देख रहे, प्लीज़ डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब माई चैनल, डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन, लाइक एंड शेयर एंड कमेंट प्लीज़। साथ में हम लिया 3 टेबलस्पून नारियल का पाउडर, कच्चा नारियल का पाउडर है, घिसा हुआ नारियल है, ओके, कच्चा वाला। अभी इसमें हम 1/4 टीस्पून जीरा ऐड किया। अभी हम इसमें ऐड किया सेम मेजरमेंट में बेडी सौफ। हमने अभी पानी लिया, 1 कप लिया ये पीसने का टाइम, और 1/4 कप और डालेगा पानी, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। ये सब मिला के अभी अच्छा से पीस के निकालेगा। हमने अभी पीस के लिया ये थिकनेस में, ज्यादा थिकनेस भी नहीं चाहिए, ज्यादा पतला भी नहीं चाहिए। ये हमने पीस के लिया, कितना स्मूथ चाहिए, ये ज्यादा थिक भी नहीं चाहिए, ज्यादा पतला भी नहीं चाहिए। अभी इसमें गुड़ का सिरप डालेगा तो और भी पतला हो जाएगा, इसलिए पीसने का टाइम बस इतना ही थिक चाहिए। हमने ये डिश कुकर में बना रहे। अभी जो कट करके रखा प्याज और नारियल, इसमें थोड़ा तेल में फ्राई करेगा। अभी हमने इसमें तेल ऐड किया थोड़ा, साथ में इसमें थोड़ा घी भी ऐड करेगा। अभी हमने इसमें थोड़ा असली घी भी ऐड किया। अभी ये गर्म हो जाएगा तो नारियल और प्याज इसमें फ्राई करेगा। नारियल ऐड किया, अभी हम ये थोड़ा फ्राई होने के बाद प्याज डालेगा। अभी हमने जो पीस के लिया ये बैटर, हमने ये बर्तन में शिफ्ट कर रहे हैं। अगर आप में से कोई भी मेरा वीडियो पहले बार देख रहे हैं, प्लीज डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब माय चैनल, डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन, लाइक एंड शेयर एंड कमेंट प्लीज। अभी तैयार हो गया नारियल, अभी इसको निकालेगा। अभी हमने इसमें प्याज ऐड किया, वो भी थोड़ा फ्राई करके निकालेगा। साथ में हमारा गुड़ का सिरप भी इधर तैयार हो रहा है। अभी हम इसमें 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा ऐड किया, साथ में हमने 1 पिंच नमक ऐड किया इसमें मीठा बैलेंस करने के लिए। प्याज भी तैयार हो गया। अभी हमने गुड़ का पानी जो बैटर बनाया उसमें डालेगा छान के। इसको ताबड़तोब मिक्स करने का, इसको अच्छा से ताबड़तोब हिलाने का, मिक्स करने का।
अभी ऐसे पतला हो गए। अभी हमने जो फ्राई करके रखा इसमें से थोड़ा नारियल और प्याज इसमें डाल दिया। अभी ये गरम गरम कुकर में ये बना के रखा अब इसमें डाल दिया हमने, सब बैटर उसमें डाल दिया। अभी हमने जो बाकी प्याज और नारियल सब इसको ऊपर डाल दिया। अभी हमने बंद करके रखा ये बिना विसल का 15 से 20 मिनट तक, हाई फ्लेम में 1 मिनट में रखने का, फिर लो फ्लेम में करने का 10 से 15 मिनट तक रखने का बिना विसल का। कुकर में बना रहे हम ये विदाउट विसल। माशाल्लाह अभी हमारा कलतप्पम तैयार हो गया, इसका नाम है कलतप्पम। अभी एक 5 मिनट और इसको ढक्कन लगा के रखेगा। इसको कुकर अप्पम भी बोलते हैं, लेकिन इसका केरला में नाम है कलतप्पम। ये केरला में बर्तन में बनाते दूसरा, लेकिन हमने इधर कुकर में बनाया, इसके लिए कुकर अप्पम भी बोलते हैं, इसका नाम है कलतप्पम। कलतप्पम बिल्कुल तैयार हो गया, आप भी बना के देखने का कमेंट बॉक्स में बताने का हमको कैसा लगा आपको। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया प्लीज डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब माय चैनल, डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन, लाइक एंड शेयर एंड कमेंट प्लीज। ये कुकर बंद करके रखे 10 मिनट के बाद आप ढक्कन खोलने का, इसके बाद ही थोड़ा ठंडा होने के बाद कुकर से निकालने का, फिर ऐसे केक का शेप में आ जाएगा। आई होप यू विल एंजॉय माई वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप में से कोई भी मेरा वीडियो पहले बार देख रहे प्लीज़ इट्स रिक्वेस्ट सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर एंड कमेंट प्लीज। सी यू इंशाल्लाह सून। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।